अब सब लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बटल नट एरिका नट या विश्व परी की जो पेड़ है उसकी जो पौधा है उससे हम मिट्टी में कैसे लगाए ताकि पेड़ जल्दी से ग्रो हो और पेड़ की ग्रोथ में कोई दिक्कत ना हो, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत साइज की चारे है, तो सबसे छोटे वाला जो है कुछ इस तरीके के। अगर आप इस तरीके के चारा मार्केट से लाते हैं और उसको सीधा ज़मीन पे लगाते हैं, खुले ज़मीन पे, और उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो इस साइज़ की चारे में ना दिक्कत होती है उसको ग्रोथ में। इस साइज़ की चारे को आपको कुछ इस तरह शेड में, छाव में रखना चाहिए ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, और आप अगर धूप में रखोगे तो चारे नष्ट हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, जो आप प्लांटेशन करने के लिए जो पौधा सिलेक्ट कर रहे हो, जो बटल नट की प्लांट सिलेक्ट कर रहे हो, उसका एज तकरीबन 4 से 5 साल होना चाहिए। सो व्यूअर्स, बटल नट की प्लांटेशन करने के समय आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि उन लोगों की डिस्टेंस जो है वो ठीक ठाक तरीके से रखना पड़ेगा। 6 से 7 फीट इस तरीके से रखे हैं हम लोगों ने। प्लांट को किस तरह से उठाता है ताकि आप जब इसकी प्लांटेशन करो तो पेड़ बहुत अच्छे से भरा हो, तो उसी के लिए आपको प्लांट की जो कटिंग करना पड़ेगा ना इसकी जड़ों की, वो काफ़ी सही तरीके से करना पड़ेगा। तो गाइस, काटने की प्रोसेस देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, जैसे कि ये हम लोगों का प्लांट है, इसको ना ऐसे राउंड करके लगभग 5 उंगली डिस्टेंस पर, प्लांट से 5 उंगली डिस्टेंस पर ऐसे राउंड करके उठा लेंगे। तो गाइस देखो, हम लोगों ने ऐसे राउंड करके ऐसे 5 उंगली डिस्टेंस पर काट लिया है, और काटने के बाद कुछ इस तरह से, ये देखो प्लांट कुछ इस तरह है। और गाइस, और एक बात का ध्यान रखना कि जब आप प्लांटेशन कर रहे हो सुपर या फिर बटल नट की, तो ये बरसात की मौसम में करना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि मैं बात कर रही थी फल देने की, जो इसकी स्ट्रिप बना हुआ है वो जितने जल्दी आएगा पेड़ पे, उसके फल जो है वो काफ़ी पहले आने वाली है। इसके एक सिस्टम है, उस सिस्टम से करने से ही ऐसा होने वाला है। जैसे कि देखिए, ये मेरे एक पेड़ है, आप देख सकते हो ये कितने जल्दी फल आ चुके हैं। मैं जैसे कि ये ज़मीन पर हूँ, अभी ज़मीन से ही मैं पकड़ सकता हूँ। ये मेरे उस सिस्टम से करने की बात ही ऐसी फल आती है। और इससे भी कुछ ऐसी जो कुछ पेड़ है जो इससे भी बड़ा है, लेकिन फल अभी तक नहीं आया क्योंकि उस सिस्टम से इसको बड़े नहीं किया गया। तो गाइस, मैं आने वाले वीडियो पे बताऊंगा कि कैसे आप लोग पेड़ को छोटे से बड़ा करें ताकि आपको बहुत ही जल्दी फल मिले और पेड़ ज़्यादा सालों तक बचे रहिए। अब हम लोग पेड़ को यहाँ पर लगाएंगे, तो पेड़ को लगाने के भी एक तरीका है, वो सही तरीके से आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो चलिए, तो गाइस पेड़ को लगाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आपको ज्यादा बड़ा जो कुछ आपको खोदना है ना, आप इसको ज्यादा बड़ा मत कीजिए। जैसे कि जिस तरह से हम लोगों को पौधे को उठाया था राउंड शेप करके, उसी तरीके से काटने की कोशिश कीजिए। और एक बात गाइस, जिस जमीन पे ज़्यादा पानी लगता है ना, आप उस जमीन पे इस प्लांटेशन करने से अवॉइड करिए, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने से पौधा नष्ट हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का, कुछ इस तरह से मैंने खोद लिया है, और ये रहा हम लोगों का प्लांट। देखिए, मैंने थोड़ी गलती कर दी है, ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर भी चलेगा। ध्यान रखिए, जो झूरा हुआ मिट्टी है ना, वो इसकी पहले बो दीजिए, जो झूरा हुआ मिट्टी है, ताकि अंदर से पैकिंग बहुत अच्छी तरह से हो। पहले थोड़ी मिट्टी देने के बाद इसको ऐसे पंच कीजिए ताकि जो मिट्टी है ना नीचे वाला, वो एकदम सही तरीके से पैक हो जाए।
नहीं तो अंदर पानी जाके वहाँ पर पानी जम जा जाएगा और पानी जमने से हम लोगों का पौधा है जो वो नष्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ऐसे करने के बाद फिर और थोड़ा मिट्टी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी देंगे और फिर से ऐसे करेंगे ताकि मिट्टी एकदम बढ़िया तरीके से पैक हो जाए। और ध्यान रखिए इसकी जो बगल वाली मिट्टी है ना वो थोड़ा ऐसे ऊँचा होना चाहिए, जो मिट्टी है कुछ ऐसे ऊँचा होना चाहिए ताकि पानी एकदम ऐसे लुढ़क जाए। सो गाइस काम ख़त्म हो गया, आप लोग भी इस तरीके से करना। आई होप आपकी जो प्लांटेशन है बहुत बढ़िया तरीके से हो और आपकी पौधा जल्दी से जल्दी फल दे और आपकी पौधा जल्दी से बड़ा होकर आपको फल देकर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट दिलाए। और व्यूअर्स मेरे इस वीडियो में से अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगा कि कुछ काम की मैंने बताया, अगर आपको लगा मेरे वीडियो आपके कुछ काम आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल की आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।